ये सारी हत्याएं जो है इस बात का प्रमाण करती है कि कहीं ना कहीं आदमी जो है आम आदमी सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए हम सबको मिलकर के एक अच्छी और बड़ी पहल करनी चाहिए। मेरा सोचना है कि पहल के नाम पे मांग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। जी यदि हम इन अंधे लोगों के सामने कोई भी गुहार कहें करेंगे, ये हमारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे। बिल्कुल सत्य। नहीं, हमें अच्छी पहल करनी चाहिए उसकी। हम इनसे कोई मांग थोड़ी, हमको पूरे समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज जो है आदमी को अपने मैं लिए। बहुत बहुत साधारण सा समाधान बता रहा हूं, जिसकी शुरुआत आपको तत्काल करना चाहिए। जी देखिए, आपकी जो भी राजनीतिक और जो भी तपस्या रही है, इसमें आप बहुत अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं। जी जी जुड़े हैं तो जिन बिल्कुल लोगों से भी जुड़े हुए हैं उनकी एक सूची बना सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। और उसमें जो है, जो उनका मुखिया है, उसका उसका नाम नाम और नंबर लिखा जाए, और जी वो सूची आप मुझसे शेयर करिए। बिल्कुल, नंबर जल्दी नंबर करता हूँ। वन। जी दूसरा जो है, उस व्यक्ति को जो है हम आप जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में लीजिए, और मुझे भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लीजिए, और मैं उसको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि उसके जितने भी उद्देश्य हैं उस संस्था के, उनकी पूर्ति होगी। क्योंकि सभी संस्थाओं के उद्देश्य सीमित हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य किसी का खराब नहीं है। सही बात है। मतलब हो सकता है कि उसके उद्देश्यों में उतनी विरहदता ना हो, हाँ एक हाँ बहुत छोटे उद्देश्य के लिए वो संस्था जी रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बृहद जो है उद्देश्यों का एक छोटा हिस्सा तो जरूर है। ठीक है ना? बिल्कुल, उसमें मतलब निर्धारित होता है कि जो संस्थाएं हैं वो जितने भी लोग हैं सभी लोग स्वस्थ स्वच्छ और अच्छे चरित्रवान भारत की तरफ देखना चाहते हैं। एक अच्छी जगह निर्माण हो, इस तरह से आम आदमी भयभीत ना हो। एक उसके प्रति जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए दो रोटी की जीविका याचिका करता है और उन संघर्षों से करते करते जब आगे बढ़ता है, तब उसको जैसे ही उसका नाम होता होता है तो कहीं ना कहीं उसको दबाने का और कुचलने का जो प्रयास हो रहा है। दबाने का क्या, सीधा सीधा सा कुचल दिया जाता है, खत्म हो जाता है। अब आज सुखदेव सिंह की हत्या हुई, दबाया क्या गया, कुचल दिया गया। और उनके साथ बहुत सारे समाज को दिखाया गया कि अगर आपने कुछ ऐसा करा तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जी यदि इसी में यदि इकोसिस्टम ये होता कि ऐसे अपराध जिसमें इस तरीके से हत्या की गई है, देखिए हत्या तो हर तरीके से गलत है, जी लेकिन हत्या हत्या ना हो के हत्या की 10 अलग अलग कैटेगरी हो, राइट? और हर हत्या की गहनता अलग होना चाहिए। जैसे मान लो इस तरीके की हत्या है जो कि भय कांत करने के लिए है, जो कि दबाने के लिए है, ऐसी हत्या हत्या अपने आप में जघन्य अपराध है, ये महाजघन्य अपराध होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। और महाजगन अपराध है, हाँ, महाजगन अपराध है। और इसमें जो है जमानत ना करने के प्रावधान होना चाहिए, मतलब कोर्ट भी जमानत नहीं ले पाएगी। नंबर 2। नंबर 3 जो है, इसकी मिनिमम सजा जो है वो 15 या 20 साल होना चाहिए। ठीक है ना? वो मिनिमम है, राइट? फांसी लगे, आजन्म कारावास हो, वो सब अलग है, लेकिन इससे कम हो नहीं सकती है, राइट? हाँ एन जो संगठन इस तरीके की हत्या कराने की पहल कर रहे हैं, या जिन जो पीछे खड़े हुए हैं, वो स्वतः जो है असंवैधानिक और अवैधानिक घोषित होकर उनकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाए, और उनकी जिसने हत्या भूमिका की की है। जांच होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और नहीं नहीं वो नहीं मैं इसको उल्टा उल्टा कह रहा हूं कि उनका जो है ये अपने आप में ऐसे लोगों को समर्थन देना अपने आप में एक अपराध बनाया जाए, राइट? उस बिल्कुल अपराध की केवल जांच ना हो, बल्कि उसकी पूरा जो है ना ट्रायल होकर उनकी संपत्ति भी जब्त हो, और लगे तो उनको जेल भी भेजा जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो संगठनात्मक समर्थन इन दुष्ट लोगों को मिलता है वो नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमें प्रक्रिया निर्धारित होना करना पड़ेगी,
और वो जो प्रक्रिया है वो नियम संगत होना चाहिए, लॉन्ग समय तक चलने वाली होना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर केस को लेके नहीं बल्कि एक सिद्धांत के तहत बनाई गई वाली होगी, ठीक है ना। और बिल्कुल फिर जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल से विद इन 30 दिन में जो है ना उसे में न्याय मिल जाना चाहिए। यदि हम ये कर दें तो बताओ, इस तरीके की हत्या, इस तरीके का जघन्य अपराध करना किसी की हिम्मत या औकात हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आदमी मजबूर होगा, सोचेगा जहां वो खड़े थे बिल्कुल वहां नहीं पे। करेगा, क्योंकि जो है इसमें जो है गवाहों से लेके हर किसी को जो धन बांटा जाएगा उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा, तो वो उस अपराधी की औकात नहीं होगी। अभी क्या है कि जो लोगों का कोई वो नहीं है, औकात नहीं है, वो इस तरीके के अपराधों में उनसे के माध्यम से अपराध कराया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी फैमिली का हम ध्यान रख लेंगे, इसका ध्यान रख लेंगे, उसका ध्यान रख लेंगे, तो पहले तो सजा ही नहीं मिलना है, यदि मिलेगी तो हम आपका ध्यान रख लेंगे। हत्या, आजकल हत्या करना एक पेशावर काम हो गया, पेशेवर के रूप में। एक जब आदमी को इसके एक पृष्ठभूमि के पीछे और जाना पड़ेगा, एक जब तक लोग स्वस्थ मानसिकता से और स्वस्थ रूप से रोजगार भी नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से अपराध जगत की दुनिया उनको ऐसा लगती है कि यहाँ बड़ी आराम से पैसा मिल जाएगा और वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, इसके मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, जो बड़े बड़े गैंग चलते थे वो उन्होंने एक फोन किया कि मुझे खोखा चाहिए, एक खोखा पहुंच जाना चाहिए, और आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो अपना जो है ना कोठी बेच देगा और उन्हें पैसा पहुंचाएगा। बिल्कुल इसे कहते हैं भय। तो भय मुक्त समाज तो पैदा करना होगा ना, बिल्कुल, तो इसमें बड़ी इसमें इस ये जो बात बड़ी मैं जिम्मेदारी जो है वो हम लोगों को निभानी होगी, आप जैसे व्यक्तित्व को निभानी होगी, क्योंकि ये जब बहुत भी प्रवर्तन। आसान है, ये बहुत आसान है, और मैंने ये फोन में 2-3 दिन से आपसे कर रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, वो इसी उद्देश्य से कर रहा था। जी मैं ये चाहता हूं कि आपसे जुड़े हुए संगठनों की सूची बना सकते हैं, जो बिल्कुल 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 राइट उनके जो प्रभारी हैं उनकी सूची बना सकते हैं क्या? बिल्कुल क्या वो जो है राज्य स्तर पर अपने जिला अधिकारियों की, जिला जो जो भी जिला के उनके पदाधिकारी हैं उनकी एक संगोष्ठी रख सकते हैं कि उनकी भूमिका अपराध मुक्त भारत के लिए 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए, क्या ऐसा आप करा सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश अच्छी कोशिश है और करनी चाहिए और करेंगे हम। तो मेरा कहना है कि एक तो पहले सूची बना लें अपन, राइट, और उस सूची बना के अपन क्या करेंगे कि उनको जो है सभी लोगों को यहाँ भीड़ इकट्ठी करके हमें कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है ना। हमें केवल जो है उनके जिला अधिकारियों तक बात पहुंचाना है, जिला अधिकारी उसी बात को जो है ना आगे पहुंचाएंगे और जी हम बड़ी आसानी से वो सब कर पाएंगे जो संभव नहीं है, नंबर 1, ठीक है ना। बिल्कुल अब आप जो है जिन संगठनों से नहीं जुड़े हैं, जैसे जूम करिए कि किसानों का संगठन हो सकता है, तो जिनसे आप जुड़े हैं अच्छी बात है, जिनसे आप नहीं जुड़े हैं या जिन जो है समुदायक लोगों से आप नहीं जुड़े हैं उनकी भी सूची बनाई जाए और उन लोगों को खोजा जाए जिनके माध्यम से उन्हें अप्रोच किया जाए और उनसे भी कहा जाए कि वो भी ऐसे ही आयोजन करें, और ये आयोजन पिछले अगले 1 महीने के अंदर हम सभी संगठनों के करा ले जाएं तो एक बहुत बड़ा जो है ना हम व्यवस्था जमीन पे खड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आपने उसमें वो महादेव सेना थी, जैसे ये थी वो थी, तो इन सबकी पहले एग्जॉस्टिव सूची बनाओ, और जिनसे हम सीधे बात ना कर पा रहे हो, आप सीधे बात ना कर पा रहे हो, उनमें फिर किसी माध्यम को चुनो, ठीक है ठीक क्योंकि देखिए हर व्यक्ति से तालमेल रखेगा ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है तो ठीक जिस व्यक्ति को चुनो उससे बात करो, और उससे बात कराते वक्त भी आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले लो, ठीक है ना। ठीक है तो ठीक है फिर वो व्यक्ति जो है जब उनको रिक्वेस्ट करेगा, और वो तो नॉर्मल कोर्स में अपनी मीटिंग करते हैं, बस अपन केवल ये कह रहे हैं कि इसके लिए जल्द डेडिकेटेड मीटिंग होना चाहिए जिसका विषय ये होना चाहिए कि इस संस्था का क्राइम फ्री भारत सहित 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने में भूमिका, और उसका जो है
क्या लाभ जो है इस संस्था को मिलेगा, ये इस बात को भी देख लिया जाए। अकेला जो है क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत उतर जाएगा, अकेला इतना ही नहीं, उससे वो खुद कैसे लाभान्वित होंगे इस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, क्योंकि करते हैं, हाँ हाँ करते हैं अभी अभी अगली चर्चा में। अभी मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, किसी दूसरे में कोई सामने आ गया है, मैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चलिए उन्होंने भी अपनी बात चीत सुनी है, अच्छी बात है, लेकिन इसको समय सीमा में करना है, ये सभी आयोजन अगले एक महीने में होना चाहिए, ये अपन समय सीमा अपने लिए रख। हाँ हाँ आज ही फिर दोबारा फिर अपन चर्चा करते अभी, और जब आप इससे फ्री हो जाते हैं तो एक सूची बना के उस सूची को सबसे पहले शेयर करिए, तो उससे क्या रहेगा कि हम आपको याद दिला पाएंगे कि देखो इस संस्था का नहीं हो पाया, इस संस्था का नहीं हो पाया है, तो एक एड मोवायर हो जाएगा। और दूसरा उन संस्थाओं का भी बना लिया जाए सूची जिसमें आपको लगता है कि आप सीधी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, और फिर जो है ना उनमें कौन भूमिका निभा सकता है उनके नाम भी खोज लिए जाएं, जिनसे आप सीधे बात नहीं कर सकते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, या आप सजेस्ट करेंगे कि साहब इनके माध्यम से आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो जिनके माध्यम से आप सजेस्ट करेंगे कि इनके माध्यम से अच्छा प्रभाव पड़ेगा उनके माध्यम से हम बात करेंगे। निश्चित 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 है ना, तो इसके बहुत सकारात्मक और बहुत फास्ट परिणाम आएंगे, और जो आप कह रहे हैं वो भी हो जाएगा, इसमें सब चीज हो जाएगी। ठीक है ठीक है, मैं भी आपसे चर्चा करता हूँ, है ना। ठीक ओके, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।